हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिग बॉस ओटीटी में नजर आई उर्फी जावेद भले ही जल्द ही घर से बाहर हो गई थी, लेकिन जितने भी गिने चुने दिन वो बाहर रही उतने में ही उन्होंने फैंस के बीच अच्छी खासी पकड़ बना ली। शायद आपको बिग बॉस ओटीटी के बाकी कंटेस्टेंट्स के नाम याद ना हो, लेकिन उर्फी को अब बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनको बहुत सारा काम मिल रहा है, बल्कि उनके अतरंगी कपड़ों को लेकर। जी हाँ, फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लेने वाली उर्फी मीडिया में छाई रहती है। उर्फी बेबाक तरीके से ना सिर्फ कुछ भी पहनती हैं, बल्कि कुछ भी बोलती भी हैं। कोई भी मुद्दा हो उसका जवाब ऐसे देती हैं कि या तो आप हैरान हो जाएंगे या फिर आपको हंसी आएगी। खैर, मीडिया के सामने उर्फी जावेद कई बार काम को लेकर बात करती हैं। जैसे ही उनसे उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल होता है तो वो तपाक से कहती हैं कि वो कुछ भी काम कर लेंगी, बस उन्हें काम मिले तो सही, इंडस्ट्री से कोई उन्हें अप्रोच करे तो सही। जरा सुनिए क्या जवाब देती हैं उर्फी जब भी उनसे किसी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल होता है। रियलिटी शोज की मैं बात करूं तो एक आपने रियलिटी, मेरे बाप कोई रियलिटी शो भी प्रोड्यूस कर नहीं रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस ही मेरे बाप का नहीं है, हम कोई बुला ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं यार। हर वक्त काम का रोना रोने वाली उर्फी अगर वाकई प्रोजेक्ट लेस हैं तो फिर वो अपना खर्चा कैसे चलाती हैं? उर्फी की सालाना कमाई क्या है और वो कहां से कमाती हैं? इस सवाल का जवाब फैंस जरूर जानना चाहेंगे। दरअसल बीबी ओटीटी के बाद से ही उर्फी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें कई लाख लोग फॉलो करते हैं। उर्फी जो वीडियोस पोस्ट करती हैं, जो अपना हॉट अंदाज दिखाती हैं, उन सबके वो पैसे लेती हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि उर्फी कैसी कैसी वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर डालती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सब पेड कोलैब होता है और इसके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं। इस बारे में उर्फी ने हाल ही में जवाब भी दिया था। लास्ट रील आपने डाली है बारिश की, एंड द पीपल आर सेइंग मुझे पैसे दिए गए थे, वो पेट को लाभ था। पीपल आर सेइंग कि टिप टिप वर्षा पे कब रील बनाने वाले, उसके बारे में मैंने बनाई थी टिप टिप वर्षा पे, पूरा हॉट बन के देखी नहीं थी तुम लोगों ने यार। उर्फी जब टेलीविजन शोज किया करती थी तब वो एक एपिसोड के लगभग 50,000 रुपए वसूला करती थी। इस हिसाब से उनकी मंथली इनकम 2 करोड़ के आसपास थी। फिलहाल उनकी नेटवर्थ में डाउनफॉल आया है, लेकिन फिर भी वो अच्छा पैसा कमा रही हैं। उनकी सालाना इनकम करोड़ों में है। वो ब्रांड प्रमोशन, मॉडलिंग और एड्स के जरिए अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। उर्फी लग्जरी लाइफ जीती हैं और उनके पास महंगी गाड़ी भी है। चलिए जाते जाते आपको उर्फी जावेद का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो अपना बोल्ड अंदाज फैंस को दिखा रही हैं। उर्फी जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जूनियर राइट। उर्फी थोड़ा साइड प्रोफाइल, उर्फी यहाँ पे, उर्फी इकड़ो माग, लंदन आगे आगे डब्बा है, पुलिस का बस बस थोड़ा दी दी सांबा इधर सांबा भाई भाई people are so excited to see you here, people are so excited to see you here. उर्फी जी आंटी को जाना है क्या? ये आंटी को जाने का, ये आंटी को फोटो निकाल ले, अरे आ जाओ, फोटो भी नहीं डालो ये आपका कैमरा। हाँ आंटी, इतने कैमरा मैंने यहाँ पे, मैं क्यों लेके आऊँ उनका, निकल गया ना, निकल गया, सही पकड़ा कैमरा, अरे निकल गया खड़ा, ऐसे पकड़ने का नहीं, अरे यही फोटो छपेगा आंटी, यही फोटो छपेगा जी, ये दोन मिनिटं बाइक करतो आणि मग परत मध्ये मध्ये आलं सवय आहे ना, चेहरा नाही दिसत आहे दादा, कॅमेरा साफ कर लिया करो, मिर्ची लेके घूम,
मिर्ची लगाओ के। अरे ये भाई किधर घूम रहे चले चले जाओ आसिम भाई आप माइक इज सेट दादा चलो चलो हां देर एक बार लेट्स गो प्लीज तुम इज अनिरुद्ध ओके उल्टा ही मैं आया हूं काफी हमने काफी देखा आप एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट काफी कर दो क्या कुछ आज होने वाला है थोड़ा बताओ एक्चुअली आई एम विद हॉटफ्लाई हियर वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं एंड दैट गर्ल वॉज इन माई कॉलेज लाइक आई एम मीटिंग हर आफ्टर एजेस इट इज सच अ बिग कोइंसिडेंस कि मतलब मेरी कॉलेज की बंदी इट्स अचानक से यू नो शी इज टेकिंग माइंड इट्स जस्ट जो लास्ट रील आपने डाली है बारिश की एंड द पीपल आर सेइंग मुझे पैसे दिए गए थे वो पेट को लाभ था पीपल आर सेइंग कि टिप टिप वर्षा पे कब कब रील बनाने वाले उसके बारे में मैंने बनाई थी टिप टिप वर्षा पे पूरा हॉट बन के देखी नहीं थी तुम लोगों ने यार पीपल वांट टू सी यू वन मोर टाइम पीपल तो वांट टू सी मी नेकेड आल्सो नंगी हो जाऊं मैं अरे यार कुछ भी ओके खतरों के खिलाड़ी आने वाला है किसको आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे प्रतीक निशान दे माय फ्रेंड्स और आपको कब हम देखेंगे नहीं खतरों के खिलाड़ी में तो कभी नहीं देखोगे और रियलिटी शोज की मैं बात करूं तो एक आपने रियलिटी मेरे बाप को रियलिटी शो भी प्रोड्यूस कर नहीं रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती बिग बॉस आ रहा है बिग बॉस ही मेरे बाप का नहीं है आपको बुला ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं यार और क्या कुछ प्रोजेक्ट लाइनअप है आपका आई एम म्यूजिक वीडियोस कमिंग अप तो जैसे जैसे वो आएंगे आप देखोगे क्या किस तरह के विशाल थैंक यू म्यूजिक वीडियो आने वाले नॉर्मल म्यूजिक वीडियो व्हाट अबाउट द ओटीटी शोज ओटीटी शो में किस तरह देख रहे हो क्या कुछ मैं क्या देख रही हूँ अभी किस तरह के रोल्स आप देख रहे हो लाइक व्हाट काइंड यार मैं तो इस टाइम इतनी भिखारी बनी हुई हूं कि जो मिल जाए मैं हर तरह के रोल देख रही हूं नाउ लाइक स्टार्टिंग में द पीपल वेर लाइक ट्रोलिंग यू फॉर योर फैशन बट नाउ दे आर लाइकिंग यू व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट एंड द फॉरेन कंट्रीज आर आल्सो लाइक फॉलोइंग यू आई हैव सीन योर कमेंट सेक्शन द पीपल आर फॉलोइंग यू यार ट्रोल तो हर कोई होता है शाहरुख खान की बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं कौन सी चीज हूं यार सब चलता है बट अभी लाइक पीपल आर फॉलोइंग यू पीपल आर लविंग योर बिकॉज़ भाई है ना सलाम से भुगते हुए सूरज को किया जाता है जब आप ऊपर जाते हो तभी आपको सलाम मिलता है ऑल राइट थैंक यू सो मच थैंक यू चलो 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 घर पे बट आज मैं मिल रही हूँ तो आज मैं एक सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ मेरी ऐसे थोड़ी दुख कोई सेलिब्रिटी नहीं काफी बहुत प्यारी है और हम पता करेंगे उसके साथ तो आप क्या तैयार है इसके लिए ये पावर करते हैं।